अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं प्रेम मटलानी आपकी खिदमत में एक बार फिर हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है लेकर हाजिर हुआ हूँ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले जैसे वैसे भी कहता हूँ, आज फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि जिन साहिबान ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर सब्सक्राइब करें, हमारे ऊपर करम करें और प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें। तो बात वही पाकिस्तान की, जो ड्रामा 3 तारीख से इतवार के रोज़ से पाकिस्तान की सियासत में, वो जैसे कहते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू है, कि डिप्टी स्पीकर साहब ने बावजूद इसके कि उन्होंने, जनाब इमरान खान ने कहा था कि वोटिंग होगी इतवार के रोज़ 3 तारीख को, वोटिंग नहीं कराई और नो कॉन्फिडेंस मोशन को मुस्तैद करके फेंक दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उसका नोटिस लिया, नोटिस दिए सबको, और अपोजिशन वाले भी, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को कांटेक्ट किया। लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ, हमारे सब कॉन्टिनेंट में होता रहा है, ये वही चालू है, तारीख पे तारीख, इतवार गया, पीर, मंगल, बुध, आज जुमेरात, अभी तक हुआ तो कुछ भी नहीं। फरीकेन को नोटिस निकाले गए, सबको सुना गया, लेकिन अभी तक जनाब बंदियाल साहब और 4 मजीद जो उनके साथ डिवीज़न बेंच में हैं, किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाए। सरकारी वकील बाबर अवान ने कहा कि वेस्टमिंस्टर स्टाइल की जो जमहूरियत है उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम है। ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामेंट को चलाने वाला कौन? वो तो आइन है, तो आइन सुप्रीम हुआ ना। अगर पार्लियामेंट खुद ही, या पार्लियामेंट के जो कारपरदाज हैं, जैसे कि जनाब कासिम सूरी ने ये नो ट्रस्ट मोशन जो है वो उठाकर फेंक दिया, वो खुद ही अगर आइन की शकों की खिलाफ वर्जी करें तो फिर उनके ऊपर भी, अच्छा पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना और कोर्टों का काम है वो जो कानून बने हुए उनकी तशरीह करना। अगर पार्लियामेंट कहीं पे कोई गलती करती है तो कोर्ट को हक पहुंचता है, हर लिहाज से हक पहुंचता है कि वो उनकी निशानदेही करे और उन्हें सही रास्ते पर लाए। इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा। अच्छा, सरकारी जो आर्गुमेंट है उनके फेवर में, जनाब इमरान खान ने जो दिया है एक कागज़ का टुकड़ा दिखाकर कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की, जब सरकारी वकील बाबर अवान से पूछा गया कि भाई आर्टिकल की जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 5 है उसके तहत आपने बोला है कि इन लोगों ने साजिश की है, तो क्या आपकी नज़र में ये जो 197 मेंबरान हैं जिसमें अपोजिशन के भी हैं और कुछ सरकारी साइड के पीटीआई के भी हैं, क्या इन सबको फिर आप गद्दार करार देंगे? तो कहते हैं नहीं। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये साजिश है तो वो गद्दार हैं, फिर आर्टिकल 6 के तहत तो उनके ऊपर केस दाखिल करना चाहिए और कानूनी प्रोसेस शुरू करना चाहिए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते। तो ये तो चित भी हमारी, पट भी हमारी, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, जब कमर जावेद बाजवा साहब से ये पूछा गया कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान जो ये कहते हैं कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की है अपोजिशन वालों के साथ मिलकर, तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, मैं इसको किसी भी किस्म की साजिश नहीं समझता। अच्छा, अजीब अजीब किस्म के आर्ग्यूमेंट्स जो है ना सरकारी वकील रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे, अजीब। अभी वो क्या कह रहे हैं कि जमहूरियत तो वेस्ट मिनिस्टर स्टाइल है, इंग्लैंड से मुस्तार ली गई है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है
वो तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो अक्षरती पार्टी होती है पार्लियामेंट में, उसका जो लीडर होता है वो वजीर आजम बनता है, उसी हिसाब से है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, इसीलिए जूं के तूं हम उनके जो उसूल हैं उन पे उम्र अमल दरामद नहीं कर सकते। हमें अपनी राह खुद चुननी है, और वो राह कासिम सूरी ने ये चुनी कि जब देखा कि आधे से ज़्यादा मंबरान इमरान खान के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, तो उन्होंने नोटिस मोशन उठा के फेंक दिया। ये है उनकी तशरीह इस्लामी नज़रियाती मुमलकत की। अच्छा, उधर जैसे कि ये प्रोसेस शुरू कर दिया है, इमरान खान ने सदर को सलाह दी, मशवरा दिया कि असेंबली तोड़ दी जाए, असेंबली तोड़ दी गई, ऑर्डर निकाल दिया जनाब आरिफ अलवी ने, असेंबली टूट गई, उसके साथ ये प्रोसेस शुरू हो गया कि कायम मुकाम वज़ीर आज़म चुनना है। उसके लिए इमरान खान ने एक साबिक जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनका नाम ले लिया, लेकिन शहबाज शरीफ जो है ना वो कहते हैं कि मैं इस प्रोसेस में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि जब ये सब्जुडाइस है मैटर, कोर्ट के आगे पेश है, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि आया वो जो कासिम सूरी ने नोटिस मोशन उठा के फेंक दिया है वो सही है या गलत। एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए बाद में जैसा हो, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना वो अपने प्रोसेस पे वो चाहती है कि काम शुरू हो जाए। इस बीच में उन्होंने सदर ने ईसीपी को भी, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ऑर्डर कर दिया है कि आप तारीखें बताएं कब इलेक्शन कर सकते हैं, 90 दिन के अंदर की कोई तारीख बताएं। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद बोल दिया कि डी लिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो कई महीनों से चालू है और वो पूरा नहीं हो रहा, और उसकी वजह भी खुद पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जैसे कि फाटा है या दूसरे इलाके हैं जिनको पाकिस्तान में जम कर दिया गया है, उसकी वजह से कुछ 8-10 सीटें कम होंगी, 342 से सीटें कम होगी। जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक वो इलेक्शन का प्रोसेस कैसे चालू कर सकते हैं। तो उन्होंने तो अपनी मजबूरी जता दी है कि हम 3 महीने के अंदर नए इंतखाबात करने की पोजीशन में नहीं है, कोशिश कर सकते हैं लेकिन लग नहीं रहा कि वो इसमें कामयाब होंगे। और इस बीच में हर चीज़ जो है वो एक सस्पेंशन के हालत में है जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाए, एक बार फैसला आ जाए तो फिर बात आगे बढ़ाई जा सकती है। हमने अपने नाज़रीन को अगले प्रोग्राम में बताया था, एक खातून हैं फराह खान, हकीकत में उनका नाम है फरहत शहज़ादी, और वो एहसन जमील की जोजा है, उनकी बीवी हैं, ये दोस्त हैं हमारी जो खातून अव्वल हैं बुशरा बीबी, या जिन्हें पिंकी पीरनी भी कहा जाता है, ये उनकी दोस्त हैं। और उनके बारे में जब मालूम किया गया तो पता चला कि वो लाहौर में रहती हैं, असल में तो वो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं इस वक्त, मतलब कुछ रोज़ पहले तक वो लाहौर में थी, और 2018 में जब जनाब इमरान खान ने ये तीसरी शादी की बुशरा बीबी से, तो वो शादी उनके घर पर हुई थी, तो वो शादी करवाने में भी उनका हाथ है। अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ है कि उसका और उसके जो खावन है एहसान जमील का, उनका जो है ना इमरान खान के ऊपर बहुत असर रसूख है। उस्मान बुज़दार को पंजाब का, पाकिस्तानी पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाने में उनका हाथ है, और लोग तो यहाँ तक कहते हैं, खुद मरियम नवाज़ ने भी यार ऐसा कहा, नून लीग की जो वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने भी यहाँ तक कहा कि उस्मान बुज़दार तो नाम के वज़ीर आला थे, पूरा हुक्म जो है ना वो फराह खान का चलता था, फराह गुजर का चलता था, और कोई भी पोस्टिंग हो, ट्रांसफ़र्स हो, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, वो सब जब तक उसको नहीं मिलते और उसकी तरफ से एनओसी नहीं जाता, कोई भी अफसर मिनिस्टर वगैरह ऐसा ऑर्डर निकाल नहीं सकता था। और हमने अपने नाज़रीन को बता दिया कि जैसे ही उसे लगा कि अभी
किसी भी वक्त इमरान खान की हुकूमत जा सकती है या पंजाब में जो है वो पंजाब में तो खैर हुकूमत बदली हो ही जाएगी एक दो रोज़ में, तो इसीलिए उसने यहाँ से भागने में ही अपनी आफियत समझी और वो पहली फुर्सत में यहाँ से निकल कर दुबई चली गई। उसके जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो पर्सनल हवाई जहाज़ में दुबई गई है। उसके हाथ में जो हैंडबैग है $1,00,000 का है, आप सोचिए तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी का वो हैंडबैग रखती है और जो जूते पहनती है वो $1,000 के हैं, यानी 2 लाख रुपए के तो वो जूते हो गए समझें आप। तो ये सभी उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये सभी उसकी जो प्रॉक्सिमिटी थी बुशरा बीबी से और उसके थ्रू इमरान खान से और उसके थ्रू जाहिर है सीधे सीधे उन्होंने ही अपॉइंट करवाया था उस्मान बुज़दार को यहाँ पंजाब में चीफ मिनिस्टर, तो इसीलिए इसी असर उसी की वजह से उसकी कमाई होती थी। और जैसे ही उसे लगा कि मेरे ऊपर कानून का शिकंजा कसा जा सकता है तो भाग के चली गई। अच्छा, लोग तो यहाँ तक कहते हैं, मरियम नवाज़ ने भी ऐसा कहा कि भाई आप कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे साजिश करके हटाने के लिए अमेरिका ने साजिश की और 197 मेंबरान के साथ मिलकर नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया नेशनल असेंबली में। आज ही वो सर्वे आया है जिसमें लिखा हुआ है कि 65% पाकिस्तानियों ने इस मुल्की गैर मुल्की साजिश का बिल्कुल उन्होंने इस पे यकीन नहीं किया और उन्होंने कहा कि अगर इमरान की हुकूमत जाने की जिम्मेदार कोई है तो वो महंगाई है, वो बैड गवर्नेंस है, वो महंगाई का वो तूफ़ान है जिसके तले इसने 22 करोड़ लोगों को दबा दिया। तो मैं इमरान खान से ये पूछना चाहती हूँ कि कर्ज़ा जब 25,000 अरब से 50,000 अरब तुम्हारे दौर में हुआ तो ये साजिश किस मुल्क ने की आपके ख़िलाफ़? डॉलर जब 97 से 186 पे से क्रॉस कर गया आज तो ये साजिश किस मुल्क ने की आपके ख़िलाफ़? चीनी की कीमत 50 रुपए किलो से 120 रुपए किलो तक गई तो ये कौन से मुल्क की साजिश है आपके ख़िलाफ़? घी की कीमत 120 रुपए से 500 रुपए किलो तक चली गई, ये किस मुल्क ने साजिश की आपके ख़िलाफ़? चलिए ठीक है, मान लें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मान लें। पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दे दिया, परवेज़ इलाही जो स्पीकर थे वो चाहते हैं, अच्छा अभी उनको मालूम पड़ गया कि पंजाब में जो है वो 200 से ज़्यादा MPs जो हैं 200 से ज़्यादा वो हमज़ा शहबाज को अपना लीडर मुंतखब करना चाहते हैं। तो दो रोज़ से पंजाब वालों ने सूबाई असेंबली जो है ना उसको सील कर दिया है, बाहर खारदार तारे लगा दिए हैं। हालत ये है कि कल जब ये असेंबली के मेंबरान गए वहाँ पे इजलास में शरीक होने तो अंदर जा नहीं पाए, तो फिर उन्होंने एक मुकामी होटल में लाहौर में अपना एक यूँ कहिए कि एक नुमाइंदगी के लिए एक सेशन किया प्रोविंशियल असेंबली का और उसमें उन्होंने अपना लीडर शहबाज शरीफ को मुंतखब किया। तो अभी ये भी यहाँ पर भी अमेरिका ने साजिश की है, बताइए आप जवाब दीजिए ना। चलिए इमरान खान के ख़िलाफ़ तो है, वो तो रूस में घूमने गए और उसकी वजह से अमेरिका ने साजिश कर दी। उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ किसने की, परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ किसने की साजिश? तो सारी बातें जो हैं ये सीधे सीधे बता रही हैं और वो खुद कहती हैं, ये मरियम नवाज़ कहती हैं कि ये आप जो कहते हैं ना कि भाई साजिश करके हटाया गया, साजिश नहीं है, इमरान खान फैल हुआ है, महंगाई हुई है, इमरान खान ने बैड गवर्नेंस की है, इन्हीं सारी वजूहात की वजह से सारे पाकिस्तान में जो आम आवाम है और उसके साथ साथ जो MPs हैं यानी MNAs मेंबर नेशनल असेंबलीज हैं वो उसके ख़िलाफ़ हो गए और उन्होंने उसके ख़िलाफ़
जो है वो नो ट्रस्ट मोशन फाइल किया है। अभी हम क्या बोलते हैं अंग्रेज़ी में, वी आर कीपिंग अवर हैंड्स क्रॉस्ड, खुदा करे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए और खुशखबरी सुनने को मिले, लेकिन तब तक हमें इंतज़ार करने के सिवा और क्या कर सकते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आप भाइयों और बहनों से एक बार फिर इजाज़त चाहूँगा आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की, और जाते जाते एक बार फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँ, गुजारिश करूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाना न भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।